because all people should have the same chance as we Yes. to walk in a clean country. And so please take your garbage with you and keep this great country clean, this great landscape clean. And दोस्तों, लिटिल एफर्ट्स कैन मेक द बिग चेंजेस, लिटिल थिंग क्रिएट्स द बिग हिस्ट्री. सो छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा इतिहास बनाते हैं, मेरा ऐसा मानना है. तो अगर हम जैसे सिगरेट के पैकेट लाते हैं, यहाँ पे फेंकते हैं, प्लास्टिक की बोतल फेंकते हैं, वो उनका कोई ज़्यादा वजन नहीं होता. हम अपने बैग में वापस अपने साथ ले जाके जहाँ पे शहर में जो डस्टबिन है वहाँ पे डालें, क्योंकि यहाँ पे कितनी सुंदर जगह है और इस जगह को एंजॉय करना चाहिए. नमस्कार, राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे. और अभी मैं बैठा हूँ मित्रों, जो नैना पीक यानी नैना चोटी है नैनीताल में, जो पहले चाइना पीक के नाम से जानी जाती थी, 2611 मीटर यानी कि अब वो 8,000 फीट में बैठा हूँ. और यहाँ पे नीचे से मैं ट्रैक करते हुए आए थे, तो लगभग हमने 9:15 बजे शुरू किया था और यहाँ पे अभी 11:15 बजे, तो 2 घंटे लगे. हालांकि डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है, लेकिन जो ट्रैकिंग में है बड़ा टाइम लगता है, तो काफी अच्छा है. और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ से कि माँ नैना देवी की कृपा से, कल हम सामने हम दर्शन किए थे नैनीताल, जो माँ नैना देवी का शहर है, नगर है, तो उनकी कृपा से आज हम यहाँ ये सक्सेसफुल एक्सपेडिशन हमने किया है. हालांकि जो माउंटेनियर्स है उनके लिए बहुत ज्यादा हाइट ये मायने नहीं रखती, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए काफी मायने रखती है. और मैं यहाँ से अपने दादी सा को, जो पिछले साल ठाकुर जी के श्री चरणों में उनका वो निवास स्थान हो गया, तो भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, मेरे सासू जी को भी दे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. उनके सब आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैं आज यहाँ पे वापस आ पाया हूँ. और मेरे साथ ऑस्ट्रिया से मेरे गेस्ट है पीटर एंड मारिया. तो अभी मुझे एक चीज बहुत बुरा लगी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और पीटर और मारिया से भी बातचीत करते हैं. हेलो पीटर एंड हेलो मारिया, हाउ आर यू? हेलो, फाइन, थैंक यू, वी आर फाइन. दोस्तों, अभी हम आए तो एक चीज मेरे को बुरा लगी, कि मैं ये गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि मैं एज ए टूर गाइड हूँ, तो टूर गाइड मैंने ये देखा कि मुझे अंग्रेजों के साथ काम करते हुए, स्पेशली जर्मन्स, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से मेरे गेस्ट आते हैं, तो काम करते हुए बहुत समय हो गया, अंग्रेज कभी भी कचरा इधर से उधर प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे, लेकिन यहाँ रास्ते में आते हुए भी हर जगह प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के पाउच, जैसे ये नमकीन के चिप्स के या बोतलें. आप लोग जरूर आए यहाँ, इस पीक पे आए, नैना पीक पे, जो बहुत अच्छी है, इसको एंजॉय कीजिए, अपना भारत बहुत खूबसूरत है. और लेकिन प्लास्टिक इधर उधर फेंक के कहीं ना कहीं हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जो हमारे जाने के बाद में जो जनरेशन आएगी, उसको भी इसकी सुंदरता का एंजॉय करने दीजिए, उसको भी मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई वो हमारे बारे में बुरा ना सोचे कि कैसे हमारे पूर्वज आए यहाँ पे और साले सब कचरा फैला के चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और पीटर और मारिया को भी बुरा लगा, तो इनसे भी बात करते हैं. हेलो पीटर एंड मारिया, हाउ आर यू? हेलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू बी विद मी इन माई ब्यूटिफुल कंट्री इंडिया. एंड Also, I have just spoken in the Hindi language, and what you, if you want to say something, I will post on the social media. Is it okay for It's you? okay for us. Yeah, That's, and it's whatever okay you for want to us. say, now you can convey your message. Thank you, and thank you for guiding us. Normally, I speak with them in German language. I speak German, but German, I don't. I know most of you cannot understand, but they can't speak Hindi. They only speak only English. Yes, a little. So we try in English. Maria and me, we are visiting India, this great country, and we enjoy our stay here and especially the hiking tours, like today. And it's great to be in this beautiful country and with the friendly people and the good food. And in regard to these great places we visit, for instance, today, we will encourage all the others doing the same activities here to be aware of the importance to take the plastic garbage with them, not to throw it away, Yes. because all people should have the same chance as we Yes. to walk in a clean country. And so please take your garbage with you and
and keep this great country clean, this great landscape clean. दोस्तों लिटिल एफर्ट्स कैन मेक द बिग चेंजेस, लिटिल थिंग क्रिएट्स द बिग हिस्ट्री. सो छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा इतिहास बनाते हैं, मेरा ऐसा मानना है. तो अगर हम जैसे सिगरेट के पैकेट लाते हैं यहाँ पे फेंकते हैं, प्लास्टिक की बोतल फेंकते हैं, वो उनका कोई ज़्यादा वजन नहीं होता, हम अपने बैग में वापस अपने साथ ले जाके जहाँ पे शहर में जो डस्टबिन है वहाँ पे डालें, क्योंकि यहाँ पे कितनी सुंदर जगह है और इस जगह को एंजॉय करना चाहिए. और ये देखिए आप व्यू एंजॉय लीजिए, यहाँ से कितना शानदार व्यू है नैनी झील का और नैनीताल शहर का सामने, बहुत ही जबरदस्त व्यू है. और यहाँ से मैं क्लियर समझ पा रहा हूँ उस समय जो ब्रिटिश टाइम में जो अंग्रेजों ने कितना एंजॉय किया होगा, क्यों यहाँ पे अपनी जो समर कैपिटल को यहाँ पे चुना होगा. तो ये जरूर देखिए खूबसूरत व्यू है ये बहुत ही. तो अभी 2611 मीटर है, लेकिन ऐसा बताते हैं 1880 में भूस्खलन हुआ था लैंडस्लाइड की वजह से, इसकी हाइट जो है 400 से 500 मीटर कम हो गई, यानी पहले लगभग 3100-3200 मीटर थी. जो वो मैदान है नैनीताल शहर में वो इसी के मलबे से बना हुआ है, और जब इसकी हाइट ज़्यादा थी उस समय यहाँ से ऐसा बताते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नज़र आती थी. यहाँ से जो नंदा देवी की चोटी है, त्रिशूल चोटी है, वो यहाँ से सामने से बिल्कुल हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई नजर आती है. बहुत ही सुंदर व्यू है और ये स्थान है यहाँ पे, जब भी आए तो जरूर एंजॉय कीजिए. वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, जो नए व्यूअर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें. धन्यवाद.